हमारे दोनों तरफ खड़े हैं अपने कार्यकर्ता वॉलंटियर्स, रोहित जी हैं पीछे, उनके हाथ में माइक है, और इधर मुकुल जी हैं पीछे, सामने की तरफ आ जाएंगे पिलर के पास सारे दिखाएंगे। तो अगर बोलना होगा तो अध्यक्ष महोदय उनका नाम लेंगे, उनसे मुकुल जी उनको माइक देंगे, रोहित जी उनको माइक देंगे, तभी हम बोल पाएंगे। एक बार अपने जो निर्णायक मंडल में है उनका मैं परिचय करा देता हूँ। अपने साथ हैं विपिन गुप्ता जी हैं, एक बार स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तो विपिन गुप्ता जी ये डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर हैं, ये अपना हमारे पहले निर्णायक रहेंगे। दूसरे निर्णायक हैं रुपेश गुप्ता जी, ये अम्बेडकर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ये हमारे दूसरे निर्णायक के रूप में यहाँ रहेंगे अपने कार्यक्रम में अपने बीच में। तीसरे हैं अनुज जी, श्रीमान अनुज जी, ये दिल्ली सरकार के एक विद्यालय में अध्यापक हैं, ये रहने वाले हमारे बीच में। और जो हमारा होगा इवेल्युएशन होगा वो हमने पहले अपने जो हमने ग्रुप बनाई थी ग्रुप में डाल दिया था, 5 विषयों के ऊपर रखने वाले हैं निर्णायक मंडल को। पहला है कंटेंट, हमारा जो विषय की प्रस्तुति है उसके विषय में हम क्या रखने वाले हैं, शब्दों का चयन हमारा कैसा है। दूसरा है बिहेवियर, पूरे कार्यक्रम के दौरान या अपने वक्तव्य के दौरान हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी भाषा शैली कैसी है। चौथा है अनुशासन, और पांचवा है इनका जो निर्णायक मंडल है उनका अभिमत। तो ऐसे कुल 50 अंक होंगे, 50 अंक में हम प्रथम द्वितीय और तृतीय सेट करेंगे। जो लोग व्यूअर्स के रूप में आए हैं उनका ऐसा नहीं सोचना केवल हम दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, वो भी अपने प्रश्न हमें जिस ईमेल आईडी से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस ईमेल आईडी से हमें भेज सकते हैं उनके प्रश्न क्या है। हो सकता है कि हम कार्यक्रम के दौरान ही उनका हम उत्तर देने का प्रयास करें, या कार्यक्रम के अंतिम में जो क्लोजिंग सेरेमनी में आने वाले हैं वक्ता उनके माध्यम से उनके उत्तरों का हम उनके प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। हरजीत माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, members to take the oath or affirmation, Secretary General. Shri Praveen ji, who stands elected from the Lakshmi Nagar constituency of East Delhi, will now take the oath or affirmation. Praveen ji. Praveen ji, would you like to take the oath or affirmation? Which language do you want? Aham Praveena Yuva Sansad Sadasyen Nirvachita Nischayen Parameshwarasya Namana Sabhe Vidhina Sthapitam Bharatasya Samvidhanam Prati Satyam Shraddham Nishtham Chadharishe Yat Aham Bharatasya Sampurna Prabhutva Sambandhitam Akhandatam Charachishyami Tatha Yat Padam Grahitum Aham Udritosmi Tasya Kartavyani Shraddha Purvakam Nirvachyami. Mr. Saurabh ji, who stands elected from the Patparganj constituency of East Delhi, will now take the oath or affirmation.
solemnly. Shri Bariyam ji, who stands elected from the Vishwasnagar constituency of East Delhi, will now take the oath or affirmation. Bariyam ji, would you like to take the oath or affirmation? In which language would you like? I, Mariam Khan, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Now, the Honorable Prime Minister to introduce the members, please. आदरणीय सभापति महोदय, मुझे अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का परिचय कराते हुए प्रसन्नता हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिस आस्था जी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिवानी जी। Ministers of Statistics and Program Implementation, Amal ji. Thank you. Now, the question hour begins. Prashna Sankhya 11. Susri Diksha ji. मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि नए भारत की परिकल्पना में नारी को बराबरी का स्थान देना संसद की प्रतिबद्धता है। इस क्रम में अभी भी नारियों को सशस्त्र सेनाओं में महत्वपूर्ण दायित्व पर नहीं रखा गया है। आधुनिक समय में जहाँ नारियाँ हर क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर पहुंच रही हैं, वहां अभी भी कहीं ना कहीं समाज में इनको सीमित स्थान ही दिया जाता है। फिर भी अभी भी ये वर्ग कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। क्या सरकार सेना में नारियों की भूमिका बढ़ाने पर कुछ विचार कर रही है? मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रदान करते हुए जा रहा वेतन और भत्तों का ब्यौरा क्या है? विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में PMMVI प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए के सरकार द्वारा कितनी निधि आवंटित की गई है? सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के कल्याण हेतु की जा रही कौशल विकास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री अमृत जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं इस सदन की अनुमति से अपने संस्कृति में जो महिलाओं को सम्मान दिया गया है उसकी तरफ इस सदन का ध्यान ले जाना चाहूंगा। हमारी संस्कृति में एक श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। इसमें मातृवत परदारेषु का अर्थ है किसी भी पराई स्त्री को अपने माँ के समान माना गया है। हमारी हिंदू संस्कृति में, अपने हिंदू समाज में जो भी हमारे देवी देवता है उसमें हम पहले देवी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात देवताओं का नाम लेते हैं, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम। ऐसी हमारे हिंदू संस्कृति में नारी को अन्नपूर्णा के रूप में
अन्नपूर्णा के रूप में माना जाता है और नारी को ही जननी माना गया है। अपने भारत को भी हम भारत माता के नाम से ही उसका उद्बोधन करते हैं, ना कि भारत पिता। अपने इसी संस्कृति की धरोहर को चिरतार करते हुए अपनी सरकार भी इसके प्रति जवाबदेही है। हर क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण के प्रति कर्मबद्ध है। अब मैं माननीय सांसद का जो उन्होंने प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर में कुछ बातें कहूंगा। अभी सेना में नारी की भूमिका बढ़ाने के लिए भी सरकार गंभीर है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती, साथ ही साथ फाइटर प्लेन्स में भी अब महिलाओं का भी चयन किया जा रहा है। अभी 15 जनवरी को सेना दिवस के उपलक्ष में हमने देखा होगा कि सुश्री तानिया मरियम के द्वारा जो पुरुषों की टुकड़ी थी उनका नेतृत्व करते हुए हमें सबने देखा ही होगा। अब मैं इस सदन का ध्यान अपनी सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के प्रति ध्यान कराना चाहूंगा, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, नारी सशक्तिकरण पुरस्कार, महिला सशक्तिकरण केंद्र, ऐसे ही निर्भया योजना और वन स्टॉप वन सेंटर योजना। भारत सरकार पूरे देश में मातृवंदना योजना नाम से एक योजना चला रही है। इस योजना में मंत्रालय योजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो, इसके लिए मातृवंदना सप्ताह का आयोजन प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में मंत्रालय द्वारा कुल 60,56,00,000 रुपए की राशि भुगतान केंद्रों को। ऐसे ही आंगनवाड़ी, जैसे ही सांसद महोदय ने आंगनवाड़ी के कार्यों का जिक्र किया, आंगनवाड़ी सेवा में शिक्षिका के जो नए बालक या बालिका हैं का जन्म होता है उसमें भी जो उनका देखरेख के लिए एक महिला आशा दीदी नाम से ऐसी हमारी योजना चलाई जा रही है, जिसमें वह नए जन्मे बालक बालिकाओं का देखरेख करती हैं। ऐसे ही आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के योजनाएं भी कार्य कर रही है, जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास खोलना, आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करना आदि इत्यादि। और जैसे कि सांसद महोदय ने खर्चों का ब्यौरा मांगा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार समय समय पर निर्धारित मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसके लिए अभी तक जिसका मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर अभी हमारी सरकार ने 4,500 रुपए कर दिया गया है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 17, श्री विकास जी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्ष के पश्चात भी देश के एक बड़े हिस्से में समाज के भीतर अस्पृश्यता भेदभाव व्याप्त है। संसद की ओर से तमाम कानूनों के प्रावधान के साथ साथ इस और सामाजिक प्रयास भी आवश्यक है। क्या सरकार की ओर से इस प्रकार के कुछ प्रयास हो रहे हैं? यदि हाँ तो अभी तक इसका कुछ परिणाम क्यों नहीं दिख रहा है? धन्यवाद। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री अनीश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने सरकार के तरफ से सांसद महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में ऊंच नीच की संज्ञा नहीं दी गई है।
हमारे संस्कृति में हमारे समाज की परिकल्पना एक श्लोक के माध्यम से की गई है। मैं इस श्लोक को संसद के सम्मुख रखना चाहूंगा। हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतित भवत मम ही मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सभी भारतवासी एक समान है, लेकिन जब हमारा देश 1000 वर्षों तक पराधीन रहा उस समय इस समाज में कुछ त्रुटियां सम्मिलित हो गई और वो आज भी कहीं ना कहीं किसी रूप में व्याप्त है। जैसा कि सांसद महोदय ने अपने प्रश्न में दर्शाया कि प्राचीन वैदिक काल में इस प्रकार की त्रुटियों का कोई स्थान नहीं था। मैं सांसद महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि समाज में शुचिता अवश्य है, लेकिन अपरिचिता का कोई स्थान नहीं है। समाज में समय समय पर परिवर्तन के साथ साथ और सामाजिक आंदोलनों के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर हेडगेवार, राजा राम मोहन राय आदि पुरुषों के प्रयासों से समाज की मनोवृत्ति बदल रही है और निरंतर बदलेगी। समाज की दिशा को परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से जन जागरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस विषय पर कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को सरकार द्वारा सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा सभी दिशाओं में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसे मैं संसद के सम्मुख पटल पर रखना चाहता हूं। सरकार अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण के रूप में अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसे मैं संसद का परिचय कराना चाहूंगा। पहली योजना है अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजना। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अकादमी अध्येता वृत्ति योजना, पढ़ो परदेश योजना। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययनरत हेतु शरण में इमदाद की योजना, नया सवेरा योजना। इस योजना में महोदय अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना, नई उड़ान योजना, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उत्तरी अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को छात्रों को सहायता हेतु योजना। इसी प्रकार महोदय आर्थिक सशक्तिकरण में कुछ योजनाएं हमारी सरकार द्वारा संचालित किया जा रही हैं, जिसे मैं इस सांसद के सम्मुख रखने जा रहा हूं। सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास की योजना। पारंपरिक कलाओं शिल्प के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की योजना। नई मंजिल सामाजिक आकलन और सामाजिक प्रबंधन की रूपरेखा योजना। मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी मानस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से रियायती ऋण। इसी प्रकार माध्यम कुछ विशेष जरूरतें जिन्हें स्पेसिफिक तौर पर रखा गया है। नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की परियोजना। हमारी धरोहर भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्ध विरासत संरक्षित करने की योजना। इसी प्रकार जिस प्रकार से जियो पारसियों की संख्या भारत में घट रही है, इसके संदर्भ में भारत में पारसियों की घटती संख्या को रोकने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। वक्फ प्रबंधन कौमी वक्फ बोर्ड तर्कित याति योजना। रक वक्फ बोर्ड के अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की पूर्ववत योजना। इसी संदर्भ में शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना। वक्फ को
जो सहायता अनुदान के लिए पूर्ववर्ती योजना शहर वक्त समितियों के विकास और इसी प्रकार जो संस्थाएं संचालित हो रही हैं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उनके लिए सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की जा रही है उसके उन सहायतों को मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सांसद महोदय के सम्मुख रखना चाहता हूँ। मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के लिए सहायता अनुदान MAEF जिसे कहते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम इक्विटी। अंततः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य एजेंसियों के सहायता अनुदान। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 24 श्री नूतन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो झूठे वादों के अलावा वर्तमान युवाओं के लिए किस प्रकार की नई योजनाएं और बेरोजगारी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं या नहीं। श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री गोपाल जी। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य द्वारा पूछे प्रश्नों का जवाब मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा। महोदय, रोजगार मुहैया करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है और सरकार इस दिशा में गति प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जहां 10 लाख तक गैर जमानती ऋण मुहैया कराई जाती है। महोदय, युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में 12,000 करोड़ के साथ अल्पकालीन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार इसके साथ साथ नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट को भी लागू कर रही है जिसके अंतर्गत एक डिजिटल पोर्टल शामिल है जहां एक रोजगार चाहने वालों की रोजगार और प्रदान करने वालों से संपर्क होता है। महोदय, इस धन्यवाद। प्रश्न संख्या 156 श्री शशांक जी। देश में होते मैं अपना प्रश्न कपिल जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं। आप कृपया अध्यक्ष के माध्यम से पूछें। मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो विगत वर्षों में जो सरकार की जो नीतियां आई हैं, जो भी नियम कानून आए हैं, उनसे ये समाज में प्रभाव जा रहा है कि हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि हमारा स्वतंत्रता के समय जो हमारा देश था वह एक धर्म निरपेक्ष राज्य